हेलो फ्रेंड्स, मैं लक्ष्मी मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर एग्री फ्रॉम गवर्नमेंट कॉलेज तोमेला झालावर। आपका हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक अभिनंदन है। आज पढ़ेंगे हम आर्थर कॉनन डॉयल की द एडवेंचर ऑफ द ब्लू कार्बनकल। ठीक है, इससे पहले अपन आर्थर कॉनन डॉयल के इंट्रोडक्शन के बारे में जान लेते हैं। देखिए सर, आर्थर इग्नेटियस कॉनन डॉयल डॉयल, जिनका जन्म 22 मई 1859 को हुआ था और मृत्यु हुई इनकी 7 जुलाई 1930 को, बाजे ब्रिटिश राइटर एंड मेडिकल डॉक्टर। ही क्रिएटेड द कैरेक्टर शर्लॉक होम्स इन 1887 फॉर ए स्टडी इन स्कारलेट, द फर्स्ट ऑफ फोर नॉवल्स एंड 56 शॉर्ट स्टोरी अबाउट होम्स एंड डॉक्टर वॉटसन। दी शर्लॉक होम्स स्टोरीज आर जनरली कंसिडर्ड माइलस्टोन इन द फील्ड ऑफ क्राइम फिक्शन। ठीक है, देखिए नेक्स्ट, देखिए इनका पूरा बायोडाटा दे देखिए। इनका जन्म हुआ था आर्थर इग्नेटियस कॉनन 22 मई 1859 को, मृत्यु हुई 7 जुलाई 1930 को। ऑक्यूपेशन था इनका राइटर और फिजिशियन। नेशनलिटी थी इनकी ब्रिटिश। एजुकेशन हुई इनकी यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबर्ग। ठीक है, जेनर थी डिटेक्टिव फिक्शन, फैंटासी, साइंस फिक्शन, हिस्टोरिकल नॉवल्स और नॉन फिक्शन। नोटेबल वर्क्स हैं इनकी स्टोरीज ऑफ शर्लॉक होम्स, लॉस्ट वर्ल्ड, एस्पाउजी थी इनकी लूसिया हॉकिंस। ठीक है, अब ये तो हो गया इनका बायोडाटा। अब देखिए, देखिए डॉयल वाज ए प्रोलिफिक राइटर अदर देन होम्स स्टोरीज। हिज वर्क्स इंक्लूड फैंटासी एंड साइंस फिक्शन स्टोरीज अबाउट प्रोफेसर चैलेंजर एंड होमेरियस स्टोरीज अबाउट दी नेपोलोनिक सोल्जर ब्रिगेडियर गेराट एज वेल एज प्लेस, रोमांसेज, पोइट्री, नॉन फिक्शन, हिस्टोरिकल नॉवल्स। वन ऑफ डॉयल अर्ली शॉर्ट स्टोरी जे हबकुक जेफसन स्टेटमेंट हैव दी पॉपुलराइज द मास्टरी ऑफ मैरी सेलेस्टीन। ठीक है, अब देखिए इसकी द एडवेंचर ऑफ ब्लू कार्बनकल आर्थर कॉनन डॉयल की। देखिए शर्लॉक होम्स एंड द ब्लू कार्बनकल, द पॉपुलरिटी ऑफ शर्लॉक होम्स वाज वेल एस्टेब्लिश्ड बाय द टाइम सर आर्थर कॉनन डॉयल पुट पेन टू पेपर टू राइट द एडवेंचर ऑफ द ब्लू कार्बनकल। दिस पॉपुलरिटी हैज एक्सटेंडेड इन टू द मॉडर्न डे विद एडवेंचर ऑफ द ब्लू कार्बनकल बींग वन ऑफ द मोस्ट वेल लाइक्ड एंड मेमोरेबल ऑफ शर्लॉक होम्स शॉर्ट स्टोरीज कंटेनिंग मेनी ह्यूमरस एलिमेंट्स। द एडवेंचर ऑफ द ब्लू कार्बनकल इनिशियली डील्स विद द एवेंटमेंट ऑफ ए बूज एंड हेट बट इवॉल्व इनटू ए मोर नोटवर्थी केस। ठीक है, अब देखिए पब्लिकेशन ऑफ द ब्लू कार्बनकल देखिए द एडवेंचर ऑफ द ब्लू कार्बनकल वाज फर्स्ट पब्लिश इन द स्ट्रेंड मैगजीन इन जनवरी 1892। ऑल्दो इट इज ऑफन कंसिडर्ड ए क्रिसमस स्टोरी द शॉर्ट स्टोरी पब्लिश फॉर दिसंबर 1891 वाज द मैन विद द ट्विस्टेड लिप। ठीक है, देखिए नेक्स्ट, आफ्टर पब्लिकेशन इन द स्ट्रेंड मैगजीन दी फर्स्ट शॉर्ट स्टोरी बाई कॉनन डॉयल वुड बी कॉम्बाइंड इन टू द एडवेंचर्स ऑफ शर्लॉक होम्स ए बुक दैट वॉज पब्लिश इन 1892। अब देखिए आगे, देखिए एक शॉर्ट रिव्यू ऑफ द ब्लू कार्बनकल। द जनरल पब्लिक ईगरली अवेटेड द पब्लिकेशन ऑफ द स्ट्रेंड मैगजीन ईच मंथ टू गेट रीड और द नेक्स्ट केस ऑफ शर्लॉक होम्स।
In The Adventure of the Blue Carbuncle, Conan Doyle offers up a tale of goodwill that has a darker flip side. ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट. देखिए, द गुडविल सी शरलॉक होम्स ट्राइंग टू रिटर्न ए हैट एंड गोज लॉस्ट बाय समवन ऑन क्रिसमस डे, बट दिस स्टोरी देन डील्स विद द थेफ्ट ऑफ ए प्रीशियस स्टोन द ब्लू कारबंकल. द पॉप प्रोवेस ऑफ होम्स इज डिस्प्ले इन द डिटेक्टिव डिशोइंग मच अबाउट द ओनर ऑफ द हैट एंड द गोज सिंपली फ्रॉम एग्जामिनिंग the battered head, although the solving the missing stone was much more to do with legwork than deduction. Sir Arthur Conan Doyle imbues a certain amount of humor into the adventure of the blue carbuncle, humor that is not present in most of the short stories, but of course there is also darkness as a serious crime has been committed as well. ठीक है, देखिए, एज विथ द केस ऑफ द बॉस्कॉम्बी वैली मास्टरी होम सोज एन इंडिफरेंस टू द जुडिकल सिस्टम अलाउ ए क्रिमिनल वंस अगेन टू एस्केप जस्टिस, द क्रिमिनल इन दिस केस दो इज आर्ग्यूएबली लेस डिजर्विंग ऑफ द लेनियंसी ऑफर्ड बाय द कंसर्निंग डिटेक्टिव. एज वी सो मैनी ऑफ द सर आर्थर कैनन डॉयल शरलॉक होम स्टोरी, The Granda TV series with Jeremy Brett as Holmes faithfully keeps to the original storyline for its adaptation of The Adventure of the Carbuncle. ठीक है, देखिए स्टोरी देखिए इसकी. The Adventure of the Blue Carbuncle is set during the Christmas period and commences with Dr. Watson visiting his old friend Holmes at 221 Baker Street. Watson finds Holmes still wearing his dressing gown and engrossed in the examination of a battered head. The head, along with a fresh watch, had been brought to Holmes by a commissioner called Person. Peterson being as acquaintance of both Holmes and Watson. ठीक है, अब देखिए आगे. पीटरसन हैड ऑब्जर्व्ड ए स्ट्रीट स्कफल इन द अर्ली आवर्स ऑफ क्रिसमस डे व्हेन फोर मैन हैड सेट अप ऑन अनदर. पीटरसन हैड गोन टू द असिस्टेंट ऑफ द इंडिविजुअल एंड द अटैकर्स हैड प्लेड द मैन हु पीटरसन हैड सॉट टू हेल्प हैड आल्सो लेफ्ट द सीन. पीटरसन इन यूनिफॉर्म वुड हैव लुक्ड लाइक ए पिलर एंड विथ ए विंडो ब्रोकन द मैन. ठीक है, अब देखिए आगे. द मैन दो हैड लेफ्ट बिहाइंड ए हैट एंड गोज एंड पीटरसन बीइंग एन ऑनेस्ट मैन हैड कम टू होम्स इन द होप दैट बोथ कुड बी रिटर्न टू देयर राइटफुल ओनर. अब देखिए आगे. होम्स हैड रिटर्न द गूज टू पीटरसन फॉर द कमिश्नर वाइफ टू कुक एंड द गूज हैज स्टार्टिंग टू स्पॉइल and the detective was now building up a picture of the head's owner. A card addressed to Mrs. Henry Baker had been attached to the bird and the fact that the initials H.B. were imprinted on the rim of the hat suggested that the head belonged to Mr. Henry Baker. देखिए आगे. Holmes deduces that Henry Baker is an intelligent man based on the size of the head, is less well off than he had once been based on the outdated style of the head, and is a man of self-respect based on the attempts to hide the condition of the head. Watson scoffs at some of these deductions and is hardly convinced at all. ठीक है, अब देखिए आगे. It is at this point that Peterson returns to Baker Street during the preparation of the wood for cooking. Mrs. Peterson had discovered a blue diamond in the throat of the goose.
The blue diamond is the blue carbuncle, a precious stone that is being reported as being stolen from the hotel room of the Countess of Morcar. ठीक है. The theft had reportedly occurred at the hotel Cosmopolitan in Villas. The police said a suspect John Horner in custody. There had been no sign of the blue carbuncle. ठीक है. अब देखिए आगे. John Horner had been primarily arrested as though he was working at the hotel as a plumber. He had a previous criminal record and suspicion had been pointed his way by another hotel employee, James Ryder. ठीक है. The problem of a lost goose had now turned into a serious crime for Holmes to solve. Holmes places an advert in the evening papers asking Henry Baker to come to Baker Street to retrieve his lost belongings. अब देखिए. लेटर इन द इवनिंग वॉटसन रिटर्न्स टू बेकर स्ट्रीट टू सी वेदर द एडवेंचर वर्क एंड ऑफ कोर्स इवेंचुअली हेनरी बेकर डज मेक एन अपीयरेंस. इट्स सून बिकम ऑब्वियस दैट द डिडक्शंस मेड अबाउट द हेड्स ओनर वर करेक्ट. व्हाट इज आल्सो ऑब्वियस दैट हेनरी बेकर नोज नथिंग अबाउट द ब्लू कारबंकल. हेनरी बेकर इज मोर अपसेट ओवर द लॉस ऑफ द वर्ड देन द कंटेंट्स. Although Holmes gives Henry Baker a fresh word to compensate. If Henry Baker knows nothing about the blue carbuncle, how did the stone end up in the goose? Holmes and Watson undertake some leg work to trace back the movements of the goose. ठीक है. अब देखिए नेक्स्ट. The first point of call is a local inn where Henry Baker had taken part in a Christmas club to buy the goose. The pair then discover that the innkeeper had bought the goose from a wholesaler named Breckinridge in Covent Garden. Geese supplied to Breckinridge had been supplied by Mrs. Oxford of Brixton. Holmes and Watson, although are not the only ones tracing the movements of the mysterious goose and Breckinridge is right that Holmes is asking him for information after someone has said done like why. ठीक है. अब देखिए. At that moment the man who had previously annoyed Breckinridge returns seeking more information. Holmes convinces the man that he has all the answers. The man turns out to be James Ryder. The man newspapers had named as an employee of the Hotel Cosmopolitan. Holmes, Watson, Ryder return to Baker Street and Holmes prevails that the blue carbuncle has been recovered. Ryder then throws himself on Holmes. Mercy Ryder had discovered the whereabouts of the blue carbuncle from Catherine, say, the Countess of Morcar. Ryder had stolen the stone and sought to cover his trick by framing Horner. ठीक है. अब देखिए नेक्स्ट. Ryder then had sought to hide the game and had gone to Mrs. Oxford's home. Mrs. Oxford being sister to Ryder, his sister had promised him a goose for Christmas, and so Ryder had got the goose to sell the blue diamond. ठीक है. देखिए नेक्स्ट. When Ryder took his word from home through, he realized that he had picked the wrong word and had then desperately tried to find the word when he had fed the blue carbuncle to. Ryder is by that time on his knees in front of Holmes, begging for mercy. Previously he had been in trouble with the police and now had committed a crime that he would not benefit in. ठीक है. अब देखिए आगे. Holmes allowed Ryder to leave and handed Ryder a place for the continent. Holmes explains to Watson that he is not there to do
the police work for them and that he believed that rider has been scared straight. ठीक है. Without the testimony of rider, the case against owner collapse. The plumber is freed. ठीक है. अभी आपकी स्टोरी होगी फिनिश. आपको इनको लर्न करना है.